हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज मैं वंस वी गेट मैरिड की एपिसोड नंबर 20 की स्टोरी एक्सप्लेन करने लगी हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक इस ड्रामा की पिछली एपिसोड्स नहीं देखी हैं तो आई सजेस्ट कि आप जाके वो एपिसोड्स देखें। उनका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और गाइस, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जिन शेंग को कॉल करके उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। तो उस वक्त रोना शेंग से फोन लेकर जिन से कहती है कि अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करो। इस वक्त शेंग सिर्फ और सिर्फ मेरा है और वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। तो शेंग रोना से प्यार से पूछता है कि क्या मैं अब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूँ। तो रोना भी आगे से यस कह देती है। दूसरी तरफ शीशी गोल्फ की प्रैक्टिस कर रही होती है और प्रैक्टिस करते हुए उसे काफ़ी मुश्किल भी हो रही होती है। तो फिर जिन उसे साइड पे ले जाने लगता है और उसे कहता है कि तुमसे अगर गोल्फ की प्रैक्टिस नहीं हो रही है तो तुम इसे छोड़ो। तो शीशी उसे कहती है कि फिर मैं आपकी मॉम को कैसे खुश कर पाऊंगी। तो जिन उसे कहता है कि तुम्हें अपने सेल्फ पर ट्रस्ट होना चाहिए और साथ में उसे ये भी कहते हैं कि मैं अपनी मॉम को तुम्हारे लिए मना लूँगा, तुम इस बात की टेंशन ना लो। फिर शीशी उससे खाने की बात करती है कि मैं एक सेलिब्रिटी की तरह वेजिटेबल्स खा खा के थक चुकी हूँ और अब वो डाइटिंग से हट कर कुछ खाना चाहती थी। फिर जिन उसे रेस्टोरेंट पर लेकर आता है और वो शीशी से कहते हैं कि तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम वो करो, अब हम सेलिब्रिटी की तरह प्रिटेंड नहीं करेंगे बल्कि अब हम सिर्फ कॉमन पर्सन ही हैं। शीशी जिनका अपने लिए इतना लव देकर तो वो इमोशनल हो जाती है। तो जिन उसे तसल्ली देता है और फिर वो दोनों खाना खाने लगते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिनकी मॉम भी अब घर पहुँच चुकी होती हैं। फिर जब वो शीशी और जिन से मिलती हैं तो जिन उनसे पूछते हैं कि डैड नहीं आए हैं। तो उसकी मॉम उसे बताती हैं कि एक काम की वजह से वो नहीं आ पाए। यहाँ पर जिन शीशी की अपनी मॉम से इंट्रोड्यूस करवाता है और साथ में उससे अपोलोजाइज भी करते हैं कि वो उन्हें अपनी शादी का नहीं बता सका था। तो फिर उसकी मॉम कहती हैं कि हाँ, तुम्हारी शादी का तो मुझे न्यूज़ से ही पता चला था। और वो तंज करके उसे कहती हैं कि तभी मुझे ये भी पता चला था कि मेरी तो एक बहू भी है। फिर जिन तो अपनी मॉम से लाड़ियाँ करने लगते हैं और उन्हें खाना खाने को कहता है। फिर डिनर के टाइम पर जिन मॉम को बताता है कि ये सारी डिशेस शीशी ने बनाई हैं और जिनकी मॉम को शीशी का बनाया हुआ खाना पसंद भी आता है। और यहाँ पर मॉम के पूछने पर शीशी उनको बताती है कि मेरा एक स्टोर भी है। फिर यहाँ पर शीशी जब जिन को वो खाना सर्व करती है जो पहले जिन को अच्छा नहीं लगता था, तो इस बात पर जिन की मॉम शीशी से रूडली बात करने लगती हैं कि तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए कि जिन को क्या चीज़ें पसंद हैं और क्या नहीं। तो जिन अपनी मॉम को बताता है कि शीशी की वजह से मैं अब वो चीज़ें भी खा लेता हूँ जो पहले नहीं खा पाता था। और इस बार तो ग्रैंडमा भी शीशी की साइड लेती हैं और उसकी तारीफ भी करती हैं कि ये बहुत अच्छी लड़की है और साथ में तंज करके ये भी कहती हैं कि तुम्हारे जैसी तो बिल्कुल नहीं है। फिर वो लोग खाना खाने लग जाते हैं। फिर बाद में शीशी इसी बात को लेकर कंफ्यूज्ड होती है कि अब मॉम उसे एक्सेप्ट करेंगी या नहीं। तो जिन उसे इन सब की फिक्र ना करने को कहता है और साथ में वो उसे कल अपने साथ डेट पर जाने को कहता है। और तभी वो शीशी से अपने बच्चों की भी बात करने लगते हैं तो शीशी तो शर्मा कर वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट डे मैडम रैन भी जिन की मॉम से मिलने आई बैठी होती है। फिर यहाँ पर शीशी मॉम को आज अपने स्टोर पर ले जाने की बात करती है तो रैन तो खुद से ही कह देती है कि आंटी आज बिजी हैं तो वो नहीं आ पाएंगी। लेकिन जिनकी मॉम तो शीशी के साथ जाने के लिए मान जाती हैं। उस वक्त रैन काफ़ी एम्बेरस फील करती है। फिर जब जिन की मॉम उसे अपने साथ चलने को कहती हैं तो ये सुनकर रैन खुश हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि शीशी रैन और मॉम को लेकर अपने स्टोर पर आ गई होती है और वो फिर उन्हें श्याओ से इंट्रोड्यूस करवाती है। फिर साइड पे होकर श्याओ शीशी से पूछती है कि ये चुड़ैल रैन साहिबा यहाँ पर क्या कर रही है। तो शीशी उसे कहती है कि इसे छोड़ो, तुम वो वाला ड्रेस लेकर आओ जो मैंने मॉम के लिए बनाया था। तो श्याओ जब वो ड्रेस लेने जाती है तो उस वक्त उसे एक शरारत सूझती है। फिर जब वो तीनों वहाँ पर खड़ी होती हैं तो तभी श्याओ कोई और ड्रेस लेकर आ जाती है। तो यहाँ पर
शीशी उसे कहती है कि ये तो वो ड्रेस नहीं है जो मैंने तुम्हें लाने को कहा था। और रैन भी उस ड्रेस को लेकर पॉइंट आउट करने लगती है, तो श्याओ उसे याद दिलाती है कि ये ड्रेस तो एक पार्टी में उसी ने ही पहना था जो उस वक्त उसे बिल्कुल भी फिट नहीं आया था। और वो साथ में रैन को फैट भी कह देती है। ये सुनकर तो रैन मॉम से एक्सक्यूज करती हुई वहाँ से चली जाती है। फिर श्याओ मॉम का वो ड्रेस लेकर आती है जो शीशी ने उनके लिए बनाया था। ये देखकर तो जिनकी मॉम शीशी से काफ़ी इम्प्रेस होती हैं और वो उसके काम की तारीफ भी करती हैं। ये देखकर तो शीशी खुश हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिन ऑफिस में फे से अपनी डेट के मतलब बात कर रहा होता है और वो अपनी डेट को रोमांटिक बनाना चाहता था। साथ में वो फे बेचारे को तो सिंगल होने का ताना भी दे देता है। ये सुनकर तो फे की शक्ल देखने वाली होती है। वैसे फ्रेंड्स, आप लोगों में से कौन कौन सिंगल है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और फिर तभी ऑफिस में जिन की मॉम की एंट्री होती है। जिन तो अपनी मॉम को ऑफिस में देखकर काफ़ी सरप्राइज होते हैं, तो वो अपनी मॉम से पूछते हैं कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। तो उसकी मॉम उसे कहती हैं कि क्यों, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। और फिर उसे ये भी कहती हैं कि ये मत भूलो कि मैं भी इस बिजनेस की शेयर होल्डर हूँ। उधर शीशी जिन का वेट कर रही होती है। इधर जिन को शीशी के पास जाने की जल्दी होती है और अब मॉम भी ऑफिस में बैठी होती हैं, तो वो अब शीशी के पास भी नहीं जा पा रहा था। और फिर यहाँ पर शीशी को लेकर माँ बेटे में थोड़ी बहुत बहस भी हो जाती है। और यहाँ पर जिनकी मॉम जिनसे काफ़ी रूडली बात करती हैं। फिर हम देखते हैं कि जब तक जिन रेस्टोरेंट पर पहुँचता है तब तक रेस्टोरेंट क्लोज हो चुका होता है। और फिर वो शीशी को लेकर काफ़ी फिक्रमंद होता है, तो पीछे से शीशी उसे आवाज़ देती है। जिन तो उसे देख कर रिलीफ फील करते हैं और फिर उसे हग कर लेता है। फिर तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जिन की मॉम जब जिन को शीशी की यूँ साइड लेते देखती हैं तो वो स्माइल करने लगती हैं और साथ में उसे ये भी कहती हैं कि शीशी अच्छी लड़की है। मीन के अब उन्होंने शीशी को अपनी बहू मान लिया था। और फिर वो जिन को जल्दी से शीशी के पास जाने का कहती हैं और अब जिन शीशी के पास आया खड़ा होता है। फिर हम देखते हैं कि शीशी जिन की मॉम और ग्रैंडमा मिलकर शॉपिंग करने आई होती हैं और जिन भी उनके साथ साथ आया होता है। और फिर यहाँ पर जिन जब उनके शॉपिंग बैग्स उठा उठा कर तक जाता है तो शीशी उसे वाटर बॉटल देती है और साथ में उसे किस करने ही वाली होती है कि ऊपर से जिन की मॉम उन्हें देख लेती हैं। फिर बाद में शीशी जिन को चोरी चोरी किस कर ही लेती है। जिन की मॉम फिर शीशी को अपने साथ अपनी फ्रेंड्स से भी मिलवाने ले आती हैं। यहाँ पर उसकी फ्रेंड्स शीशी की काफ़ी तारीफ करती हैं और यहाँ पर मॉम तो उनको ये भी बताती हैं कि शीशी एक डिज़ाइनर भी है और अपना ड्रेस उन्हें शो करवाने लगती हैं कि ये शीशी ने ही डिज़ाइन किया है। ये देखकर तो मॉम की फ्रेंड्स शीशी से काफ़ी इम्प्रेस होती हैं। और फिर यहाँ पर जब उन लेडीज़ को पता चलता है कि ये तो एक आम सी यूनिवर्सिटी से पढ़ी है, तो वो फिर इस बात पर नाक चुड़ाती हैं। तो उस वक्त मॉम शीशी की साइड लेती हैं और बाद में भी वो शीशी से कहती हैं कि तुम इन सब बातों की फ़िक्र ना करो, हालात चाहे जो भी होंगे मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूंगी। फिर शीशी मुंह के पास जाती है और उससे मशवरा मांगती है कि मैं अपने इस बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाऊं, क्योंकि वो अब जिन का बहुत अच्छा पार्टनर बनना चाहती थी ताकि लोग उन्हें क्रिटिसाइज ना कर सकें। मुंह तो उसकी ये करेज और होप देकर तो स्माइल करने लगता है और उसे कहता है कि मैं एक अच्छा फ्रेंड होने के नाते हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। और फिर वो उसे उसका बिजनेस फैलाने के मुतालिक आइडियाज देने लगता है। फिर हम देखते हैं कि शीशी जिन को बता रही होती है कि मैं स्टडी के लिए अदर सिटी जाना चाहती हूँ। पहले तो जिन उसे स्टडी करने के लिए अदर सिटी जाने का कह देता है और जब उसे पता चलता है कि शीशी ने 3 महीने के लिए उससे दूर रहना है तो वो फिर सैड हो जाता है। लेकिन शीशी के बार बार कहने पर वो उसे दूसरी सिटी में जाने की इजाज़त दे ही देता है। फिर बाद में वो शीशी का कार्ड भी छुपा लेता है और उसे एक पिलो के नीचे रख देता है। और जब शीशी कार्ड को ढूंढते हुए पिलो को उठाने लगती है तो जिन तो फौरन से अपने सर में दर्द होने का बहाना बना देता है। फिर शीशी जब उसे देखने आती है तो उसे पता चल जाता है कि ये मजाक कर रहा है। फिर शीशी जिन को किस कर लेती है और इसी दौरान ही वो चुपके से अपना कार्ड भी पिलर से निकाल लेती है और जिन से कहती है कि मुझे पता था कि इसे तुमने ही छुपाया था। अब जिन ये भी चाहता था कि शीशी स्टडी के लिए ना जाए,
लेकिन उससे कह भी नहीं पा रहा था। ऑफिस में भी वो इसी बात को लेकर काफ़ी सैड होते हैं और वो इस बारे में फे से भी डिस्कस करता है। फे तो उसे एडवाइस करते हैं कि आप फिर शीशी को बता दो कि मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे छोड़कर जाओ, लेकिन जिनको तो कुछ समझ ही नहीं आ रही होती कि वो क्या करें। फिर वो फे से कहता है कि तुम ज़रा एयरलाइन कंपनी से रब्ता करो और वो उसे प्लेन को परचेज करने का कहता है। फिर जिन ने तो शीशी के बैग में अपनी और उसकी पिक्चर भी रख दी थी और उसे कहते हैं कि ये इसलिए कि ताकि तुम मुझे मिस ना करो, और फिर वो मुंह लटका के भी बैठ जाता है। फिर नेक्स्ट डे जब वो उठते हैं तो वो देखते हैं कि शीशी वहाँ पर नहीं होती और साथ में वो एक पेज देखते हैं जिसमें शीशी ने अपने जाने का लिखा होता है। तो फिर वो ये देख कर थोड़ा सा सैड हो जाता है और फिर वो बाहर आकर मेड से शीशी का पूछता है तो वो भी उसे बताती है कि शीशी मैडम तो कब का यहाँ से जा चुकी हैं। फिर वो स्टोर पर आते हैं और श्याओ से शीशी का पूछते हैं तो वो उसे बताती हैं कि वो तो अब प्लेन में ही होगी। तो जिनको तो लगता है कि शीशी यही कहीं है और वो उसे बुलाने लगते हैं और साथ में ये भी कहते हैं कि मैं मानता हूँ कि मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे छोड़कर जाओ। श्याओ तो उसे यूं देखकर काफ़ी सरप्राइज होती है कि ये ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है। और फिर यहीं पर ही एपिसोड नंबर 20 ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।